15 जुलाई को इंदौर से उड़ेगी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट, यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। मालवी पगड़ी पहनाकर करेंगे स्वागत। हवाई यात्रा के इतिहास को लेकर प्रदर्शनी भी लगेगी। 17 की रात को इंदौर आएगी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। बात है कि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने प्रारंभ होने जा रही है। हमारा इंदौर का देवी अहिल्या एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहा है और लंबे समय से मध्य प्रदेश की और इंदौर की मांग थी और हमारे जो पूर्व सांसद है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी के प्रयासों से लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि इंदौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय की जो पहली उड़ान है वह 15 तारीख को दोपहर को 4:40 पर यहाँ से उड़ेगी। और उस उड़ान के पहले हम जो हमारे यात्री जो जाएंगे पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में, उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, मालवी पगड़ी से उनको विदाई देंगे। एक रेड कारपेट बिछा के हम उनको, जो यात्री यहाँ से जाएंगे उनको हम विदाई देंगे। और इस कार्यक्रम में जो हमारे एयर इंडिया के CMD हैं श्री लोहानी जी, वो विशेष तौर पे यहाँ आ रहे हैं। ये और 15 ये फ्लाइट जो वापस जो आएगी दुबई से, ये 16 तारीख की रात को यानी 17 तारीख को रात को 12:30 आएगी। जो यात्री पहली बार हमारे इंदौर में आएंगे दुबई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से सीधी, उनका भी हम स्वागत यहाँ मालवी पगड़ी पहना के और स्वागत करेंगे, मिठाई खिला के स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार ये इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।